नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग कैनन के अपने कैमरा को मींस जिसमें भी ब्लूटूथ वाईफाई या एनएफसी जैसी सुविधा दी गई है तो उसको हम लोग अपने स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट करें। स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रिंटर, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी वाईफाई, ब्लूटूथ और एनएफसी की सुविधा दी गई होती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टाइम मेरे हाथ में है कैनन ईओएस 800D 1855mm लेंस किट के साथ, और दूसरे हाथ में मेरे पास है रेडमी 4 डिवाइस जिससे हम लोग कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपने कैमरे को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अमन सचन और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने फोन पे एक ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस ऐप का नाम है कैनन कैमरा कनेक्ट, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपने कैमरा को ओपन करना है, और कैमरा को चलो हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ओपन करने के बाद आपको जाना है अपनी सेटिंग्स पे। मैं डायरेक्टली यहीं से दिखाता हूँ, आपको अपनी सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से तीसरे वाले ऑप्शन पे, फंक्शन सेटिंग्स पे, यहाँ पर आपको ओके करना है। इसके बाद आपको जाना है वायरलेस कनेक्शन सेटिंग्स पे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है वाईफाई सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे, वाईफाई को हम लोग को इनेबल करना है। इनेबल हम लोगों ने कर दिया, तो यहाँ से अपना डिवाइस का पूछेगा, आप अपना डिवाइस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं ईओएस 800D रखता हूँ। बस हम लोग ओके कर देते हैं यहाँ से, फिर हम लोग बैक करते हैं, मेनू पे जाते हैं फिर से, और इसके बाद हम लोग को जाना है ब्लूटूथ फंक्शन वाले ऑप्शन पे। ब्लूटूथ फंक्शन वाले ऑप्शन पे हम लोग को स्मार्टफोन पे क्लिक करना है और ओके कर देना, बैक कर देना है। तो बस आपको इतना सा करना है अपने कैमरे में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने फ़ोन का वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन करना है, जो कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ऑन है। इसके बाद हम लोग को कैनन कैमरा कनेक्ट वाले ऐप पर जाना है। तो देखिए हम लोग यहाँ से एग्री कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी चीज़ें जो भी पूछ रहा है ये। तो इस तरह की कुछ स्क्रीन हम लोग के सामने अपीयर होगी। इसके बाद आपको इजी कनेक्शन गाइड पर क्लिक करना है। इजी कनेक्शन गाइड पर यहाँ पर लिखा जाता है पहले कैमरे को कनेक्ट करें, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। जो भी आपकी सीरीज़ है, ईओएस एम सीरीज़, ईओएस सीरीज़ या जो भी है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। मेरी ईओएस सीरीज़ है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। अगर इस पर खुद का वाईफाई लगा हो या आपने एक्सटर्नल वाईफाई लगाया, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें इंटरनल वाईफाई है, बिल्ट इन वाईफाई, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। पूछता है ब्लूटूथ है कि नहीं, तो हम लोग यस कर देते हैं, इसमें ब्लूटूथ भी है। तो नेक्स्ट करता है, सारी चीज़ें करता है। इसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। इसके बाद वैसे सब कुछ लिख कर आता है इसमें, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। इसके बाद आपको जाना है अपने फिर से मेनू पे, फंक्शन सेटिंग्स पे और वायरलेस कनेक्शन सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको जाना है ब्लूटूथ फंक्शन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पेयरिंग का एक ऑप्शन आता है, इस पर आप पेयरिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल कैमरा कनेक्ट स्मार्टफोन QR कोड इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से आप इस पर QR कोड भी आता है, आप अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड पे क्लिक करिए, iOS है तो iOS पे क्लिक करिए। और अगर आप लोगों ने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डू नॉट डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे पेयरिंग इन प्रोग्रेस जैसे ही लिख के आया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख कर, जैसे ही मैंने क्लिक किया उस पर, तो यहाँ पर हम लोग का कैमरे का नाम आ गया। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैमरे से कनेक्ट हो रहा है ये। तो यहाँ पे पूछता है Redmi 4 से कनेक्ट करें क्या है, हम लोग यहाँ पर ओके कर देते हैं, और ये देखिए पेयर्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन हम लोग का जो है एस्टेब्लिश हो चुका है, तो मींस ब्लूटूथ से हम लोग का कैमरा इनेबल हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट लाइव शूटिंग कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन से, तो हम लोग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं रिमोट लाइव शूटिंग वाला ऑप्शन जो है हम लोग का ओपन हो गया है। इसको हम लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ से हम लोग कुछ परमिशंस पूछेगा, इसको हम लोग सारा चीज़ें अलाउ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अलाउ करने के बाद हम लोगों को सारी चीज़ें हम लोगों ने अलाउड कर दी हैं, तो यहाँ से हम लोगों का इस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं, अब हम लोग कैमरे को अपना जैसा भी, देखिए आप देख सकते हैं ये स्मार्टफोन आपको दिख रहा होगा, मैं कैमरे को जैसे रोटेट कर रहा हूँ तो आपको फ़ोन पर पूरी चीज़ें दिख रही, मीन्स आप लाइव शूटिंग कर सकते हैं। यहीं से आप डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपना अपर्चर भी चेंज कर सकते हैं, अपना ISO भी चेंज कर सकते हैं, अपने फोकस पॉइंट्स और जो भी आप चीज़ें चेंज करना चाहें, आप सभी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने कैमरे से। तो ये चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी है आप डायरेक्टली, और अगर आपको जो है इमेजेस चाहिए कैमरा से, आप इमेजेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग जैसे क्लिक करेंगे इमेजेस में, तो हम लोग के कैमरे में जो भी इमेजेस, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी इमेज की बात करूं, तो ये देखिए इमेज आपके सामने आ गई, इसको मैं डाउनलोड करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूं। यहां से साइज भी पूछता है साइज करने के लिए, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर, देख सकते हैं आप कितनी जल्दी इमेज हम लोगों की पूरी डाउनलोड हो गई। तो इस तरीके से आप अपने कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली लाइव शूटिंग, रिमोट लोकेशन और बहुत सारी चीज़ें इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका कैमरा थोड़ा दूर रखा है, अगर आपकी रेंज वही 10 मीटर के आसपास है, 10-15 मीटर की, तो आप
वैसे बोला जाता है कि 10 मीटर नहीं, अप्रॉक्स वही 30 मीटर के आसपास की रेंज तक कनेक्ट करता है, बट 10-15 मीटर तक काफ़ी अच्छी स्पीड आती है, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और अगर आपको कहीं पर भी परेशानी हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर डालिएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। आपकी स्क्रीन पे हम लोगों के चैनल का लोगो भी बन के आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।